brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत ने जिस तरह दुनिया में आज अपनी कूटनीति का डंका बजाया है, उसे देखकर रूस, अमेरिका या फिर कोई दूसरा देश, सभी आज भारत के साथ पक्की दोस्ती करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में एक देश है जो भारत की जमकर तारीफ कर रहा है, जो भारत का पक्का और पुराना साझेदार भी है। इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरह से भारत ने विश्व स्तर पर अपना परचम लहराया, उसे देख ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ये है भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिलिप ग्रीन, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। अब ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने क्या कहा भारत को लेकर, और क्या इस बयान से चीन की परेशानी बढ़ जाएंगी, चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल ये है भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिलिप ग्रीन, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। दरअसल फिलिप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि डिफेंस और सिक्योरिटी में भारत ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। फिलिप ग्रीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा और बढ़ते सीमा विवाद को जाहिर करते हुए कहा कि इनसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी भी द्विपक्षीय संबंध में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के बयान से ये साफ है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध अटूट और बहुत पक्के नजर आ रहे हैं। वैसे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामान्य रूप से कई समानता हैं। दोनों देश धर्म निरपेक्ष, स्वतंत्र और बहुसांस्कृतिक हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की लगातार बढ़ती संख्या, बढ़ता पर्यटन, क्रिकेट ने दोनों देशों के संबंध को एक नई दिशा दी है और इसके साथ ही उसे मजबूत भी किया है। साथ ही कोर जैसे संगठन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ आना भी इसे और मजबूत करता है। कोर चार देशों का वो समूह जिसका हिस्सा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत के मजबूत साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया की गिनती सबसे पहले होती है। हाल के कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त दोस्ती देखने को मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए भी पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी कई मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। कोर्ट से अगर किसी देश को समस्या हो तो वो चीन है। चीन ने पहले भी कई बार कोर्ट को लेकर बयानबाजी की है। अब देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी कोर्ट सदस्यता बढ़ाता है या नहीं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का भारत पर बयान आया, उसे लेकर आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।